नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। जल्द विवाह के उपाय, भाई बहुत सारे लोग मांगते रहते हैं कि मैम कुछ ऐसे उपाय दीजिए जिससे बहुत जल्दी शादी हो जाए। भाई देखिए, जब आप काबिल होते हैं, जब आपकी एज वहां पहुंच जाती है, तो वहां से ये चिंता सिर्फ आपके लिए नहीं होती, आपके परिवार वालों को ज्यादा चिंता होती है। और आजकल तो आस पड़ोस वालों को भी बड़ी चिंता होती है, हाय रे इनकी लड़की तो देखो शादी नहीं हो रही, लड़का देखो शादी नहीं हो रही। ये उनके काम है, उनको रहने दीजिए, वहां टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। हाँ, ये जरूर होना चाहिए कि समय पर विवाह जरूर होना चाहिए। हर चीज का अपना एक समय है, जब समय पर चीजें होती हैं तो हमें परेशानियां कम होती हैं। अब आती है बात कि जल्द विवाह के कैसे योग बने। कुछ समय बड़े सुनहरे होते हैं, कुछ योग बड़े उत्तम होते हैं, कुछ संयोग बहुत ही बलवान होते हैं, जिसके चलते हमें जल्दी लाभ मिल जाता है जब हम कुछ भी उपाय करते हैं। और खास करके जब बात आती है तुलसी विवाह की, जब बात आती है हरि प्रबोधिनी एकादशी की, जब बात आती है श्री हरि श्री विष्णु के जागने की, यानी 4 महीने तक शयन निद्रा में थे लेकिन जागते ही तुलसी मैया को पुकारने लगते हैं, वृंदा को पुकारने लगते हैं, वो उन्हीं का ही स्मरण चाहते हैं, उन्हीं के ही दर्शन चाहते हैं, उनकी ही आवाज सुनना चाहते हैं। तो ऐसे में जो माध्यम चुनना है आपने अपने काम पूरे करवाने का, वो चुनना है तुलसी मैया को। इस दिन जो भी उपाय करने हैं, जो कि 15 नवंबर की है, आपने तुलसी विवाह पर अपने सारे उपाय जरूर करने हैं। हरि प्रबोधिनी एकादशी का लाभ जरूर लेना है, फायदे जरूर उठाने हैं। और जितने भी आप जो सोचते हैं, जैसा वर चाहते हैं, जैसी वधु चाहते हैं, जितना जल्दी चाहते हैं कि आप ये उपाय करके आप भी शादी के बंधन में बंध सकें, तो उसके लिए आपने बहुत ही सटीक और सही उपाय जरूर करने हैं। अब आती है बात कि दान की, जब बात आती है तो कन्या दान का बहुत ही बड़ा उत्तम लाभ होता है, और खास करके एक बहुत ही सुनहरा मौका होता है। अब कन्या की जब हम बात कर रहे हैं, तो हम कन्या दान तक पहुंचने से पहले हम क्या ऐसी रेमेडीज करें कि हमें भी ये अवसर, ये लाभ बहुत जल्दी मिले। तुलसी मैया के विवाह में आपने जरूर शामिल होना है, ये ध्यान रखिएगा। तुलसी विवाह जहां भी हो रहा है, अगर आप अपने घर में नहीं करते हैं या फिर आपने अपने घर में तुलसी मैया नहीं रखी है, तो आपने जहां भी तुलसी विवाह हो रहा हो, वहां आपने अपना सहयोग, अपनी भूमिका जरूर बतानी है, जरूर दिखानी है। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे मंदिरों में तुलसी विवाह होते हैं, तो वहां जाकर भी आप अपना सहयोग दे सकते हैं, आप बहुत सारी चीजें दे सकते हैं, लेकिन ये उपाय जो है ये करना है माता पिता को, जिनके घर में कन्या या बालक है, जिसके विवाह में अड़चने आ रही हैं, जिसके विवाह के ना तो योग बन पा रहे हैं, और अगर योग बन जाते हैं तो आपका रिश्ता पक्का नहीं होता है, रिश्ता पक्का नहीं होता है, यानी पसंद नहीं आते हैं, या लड़की को लड़का पसंद नहीं है, या लड़के को लड़की पसंद नहीं है, या फिर कोई और अड़चन पड़ जाती है, यानी कुल मिलाकर के विवाह नहीं हो पाता। तो माता पिता ने सबसे पहले ये सहयोग जरूर करना है कि तुलसी विवाह का हिस्सा जरूर बनना है। और जब ये विवाह हो रहा हो, वहां जाकर के आपने भी मां तुलसी से ये कामना करनी है कि हे मां वृंदा, हे मां तुलसी, जब भी विष्णु जागे तो सबसे पहले हमारी अरदास उन तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। पहला काम ये। दूसरा काम, आपने कन्या या फिर बालक ने ये उपाय करना है, एक चुनरी लेनी है, और चुनरी थोड़ी सी बड़ी रखिएगा, जैसे 2.25 मीटर या फिर 2 मीटर 2.5 मीटर की ऐसी चुनरी होती है, जो प्रॉपर चुनरी होती है जो महिलाएं लेती हैं, वैसी चुनरी होनी चाहिए, सजी हुई चुनरी होनी चाहिए, किनारी वगैरह लगी हुई चुनरी होनी चाहिए, लाल रंग की चुनरी होनी चाहिए। उसके 4 कोनों में आपने एक 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 नारियल बांध देना है। ये उपाय लड़का भी कर सकता है, ये उपाय लड़की भी कर सकती है।
लेकिन ये उपाय सिर्फ उस व्यक्ति को करना है जो शादी के लायक है, यानी जिसका समय शादी के लिए हो चुका है। ऐसे छोटे बच्चों, छोटी बच्चियों से या फिर छोटे कन्याओं से, छोटे बालकों से ये उपाय ना करवाया जाए। आपने जब ये उपाय करना है तो चार नारियल आपने एक बड़ी चुनरी लेनी है, उसके चार कोनों में एक-एक नारियल बांध देना है। जो बीच का हिस्सा बचता है, खाली हिस्सा, उसमें आपने 16 श्रृंगार डाल देने हैं। यानी 16 श्रृंगार की सामग्री जो होती है वो आपने बाजार से ले ली, ये पूजा स्थान पर ये सामग्री मिल जाती है। उसमें श्रृंगार की 16 चीजें होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी सस्ता सा उठा करके डाल दीजिए, क्योंकि वो जितना कोई यूज करेगा उतना ही आपको लाभ होगा। अच्छा सा थोड़ा सा सामान उसके अंदर डालिए ताकि कोई व्यक्ति उसका यूज कर सके, यूटिलाइजेशन कर सके। तो आपने ये झोली जैसे बनाती है ना, ऐसे बना लेनी है, और इसे आपने ले जा करके माँ तुलसी को अर्पित कर देनी है। साथ के साथ आपने मनोकामना ये पूर्ण करने के लिए एक अरदास जरूर करने की, हे माँ तुलसी, आने वाले तुलसी विवाह से पहले अगर हमारी शादी हो जाती है तो हम भी आपके तुलसी विवाह का पूरा सहयोग करेंगे, हिस्सा बनेंगे, और अगर पॉसिबल हो तो हम अपने घर में भी तुलसी विवाह जरूर रचाएंगे। आप यकीन मानिए, ये इतना सुनहरा समय, इतना सुनहरा मौका होता है जहां माँ तुलसी आपकी मनोकामना ऐसी चुटकी में पूरी करती है। और भगवान विष्णु, वो तो पूरी स्टैंप लगा देते हैं इसके ऊपर कि हाँ जी, आपका ये काम जो है ये पूर्ण होगा। किसी तरीके की कोई अड़चन आ रही हो तो आपने इस उपाय को जरूर करना है। अगर शादी में देरी हो रही हो, रिश्ते पसंद नहीं आ रहे हो, या फिर शादी हो नहीं पा रही हो। अब आती है एक ऐसा उपाय जो पति पत्नी के अंदर कहीं डिस्प्यूट चल रहे हो, कहीं झगड़ा हो रहा हो, परेशानी हो रही हो, तो आपने भी एक उपाय करना है। आपने ये उपाय करना है कि एक चुनरी लेनी है और एक आपने वस्त्र लेना है, पीले रंग का वस्त्र लेना है, और एक लेनी है आपने चुनरी जो कि लाल रंग की या फिर गुलाबी रंग की ले सकते हैं। उन दोनों को एक छोर, एक कोना आपने उस पीले वस्त्र का और एक कोना चुंडरी के पल्लू का, इन दोनों को बांधना है, लेकिन बांधना है मोली से या कलावे से या लाल रंग के धागे से। एक तरफ वो और एक तरफ ये बांध करके आपने तुलसी मैया के आगे अर्पित कर देना है, और वहां पे आपने आराधना करनी है, अरदास करनी है कि मेरा और मेरे पति का, या पति अगर ये बोले कि मेरा और मेरे पत्नी का जीवन का साथ जो है बहुत अच्छे से बना रहे, और किसी तरीके का कि जो डिस्प्यूट लेवल है वो हमारा जल्द से जल्द समाप्त हो, हम अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत कर सके, खुशियों से अपने जीवन को व्यतीत कर सके। क्योंकि जिस भाव से हम लोगों ने शादी रचाई थी वो भाव से ही हमारा रिश्ता बहुत ही खूबसूरती से निभ जाए। यकीन माने, किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होगा वो डिस्प्यूट आपका खत्म हो जाएगा, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। लेकिन 15 तारीख के 15 नवंबर का लाभ आपने जरूर लेना है। माँ तुलसी मैया से आपने झोलियां भर भर के वरदान लेने हैं। मेरी हर वीडियोस को आपने जरूर देखना है, हर वीडियो आपके हित की है, आपके फायदे की है। लेकिन साथ के साथ एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हम पॉजिटिव रहते हैं तो हम हर समस्याओं से दूर रहते हैं। हमेशा पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छे विचार मन में लाइए, यकीन मानिए आपका कभी नुकसान नहीं होगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।